વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગાંધીનગરમાં મહાત્મા મંદિરમાં કન્વેન્શન એન્ડ એક્ઝિબિશન સેન્ટર ખાતે ડિફેન્સ એક્સપો 2022 નું ઉદઘાટન કર્યું હતું। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજથી 2 દિવસ ગુજરાત પ્રવાસે છે। ચૂંટણીના વર્ષમાં પીએમ મોદી આ મહિનામાં ગુજરાતની આ બીજી મુલાકાતે આવ્યા છે, ત્યારે આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગાંધીનગરમાં મહાત્મા મંદિર ખાતે કન્વેન્શન એન્ડ એક્ઝિબિશન સેન્ટર ખાતે ડિફેન્સ એક્સપો 2022 નું ઉદઘાટન કર્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત તથા અન્ય મહાનુભાવો તથા ભારતીય સેનાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। गुजरात देश का एक ऐसा संवेदनशील राज्य है जिसकी थल, नभ और जल सीमा पड़ोसी देश से जुड़ी है। हमारे राज्य की सरहदी क्षेत्र बनासकांठा के डीसा में 935 करोड़ की लागत से बनने वाले एयरफील्ड का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। पश्चिमी सीमा क्षेत्र में थल, जल एवं नभ ऑपरेशंस और अहमदाबाद, बड़ौला जैसे आर्थिक गतिविधि केंद्र की हवाई सुरक्षा में यह एयरफील्ड महत्वपूर्ण बनेगा। गुजरात सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा दर्शन में राज्य में एयर स्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने की पहल की है। वर्ष 2016 में एक विस्तृत एयर स्पेस और डिफेंस पॉलिसी जारी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है, जिसके अंतर्गत गुजरात ने कई रणनीतिक निवेश आकर्षित किए हैं। समाचारों ना सतत अपडेट माटे टीएनए न्यूज ने यूट्यूब पर सब्सक्राइब करी बेल आइकॉन प्रेस करो अने अमारी साथे जोड़ायेला रहो फेसबुक, इंस्टाग्राम अने ट्विटर ऊपर।